हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लैम अप। मैं हूँ रूपा और आज मैं आ गई हूँ लोरियल पेरिस का टोटल रिपेयर 5 स्मूथनिंग एंड रिपेयरिंग सीरम का रिव्यू एंड डेमो लेके। देख लीजिए, ऐसा ही है इसका बोतल। इसके ऊपर में एक कार्डबोर्ड का पैकेजिंग रहते हैं, लेकिन मेरे पास बस बोतल ही है क्योंकि मैं इसको बहुत दिनों से अप्लाई कर रही हूँ। ये ज़्यादातर ख़त्म हो गए हैं, मैं इसको रिपर्चेस भी करूँगी क्योंकि ये इतना ही अच्छा प्रोडक्ट है। लॉरियल टोटल रिपेयर 5 का जितने सारे प्रोडक्ट है बहुत ही अच्छा है, ये भी बहुत ही अच्छा है। और एक बात, क्योंकि अभी हमारे लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं, हर दिन शैम्पू करती हूँ, तो शैम्पू करने के बाद कंडीशनर और उसके बाद सीरम अप्लाई करना बहुत ज़रूरी हो गए है। इससे हेयर रहेगी मैनेजेबल, बाउंसी एंड जितना मन में स्टाइल है हम लोग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सीरम यूज़ करने से स्प्लिट एंड्स जैसे प्रॉब्लम नहीं रहते हैं, हेयर में जो फ्रिजीनेस रहते हैं वो नहीं रहते हैं और हेयर रहते मैनेजेबल। जैसे मेरी हेयर है कर्ली, तो मेरे से ज़्यादा प्रॉब्लम शायद आप लोगों के पास नहीं है, लेकिन मेरी हेयर है मैनेजेबल। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लमेटिक हेयर है, ऐसा नहीं है। मैं जैसे तैसे कोई हेयर स्टाइल कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आते हैं। और ये ऊपर में क्लेम किया है कि अनमैनेजेबल डैमेज्ड हेयर के लिए ये एकदम बेस्ट है। हाँ, अगर आपके हेयर डैमेज्ड है, आपके हेयर अनमैनेजेबल है, तो आप लोग इसको एक बार अप्लाई कर सकते हो, आप लोगों को बेनिफिट मिल जाएगी। और ये कैसे अप्लाई करना चाहिए ये मैं क्लियर करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वेट हेयर में सीरम अप्लाई कीजिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ। टॉवल ड्राई करने के बाद एटलीस्ट 30 मिनट दीजिए, अगर बिजी ना हो तो। बहुत ज़्यादा बिजी हो तो अलग बात है, अगर बिजी ना हो तो मैं सजेस्ट करूँगी एटलीस्ट 30 मिनट वेट कीजिए, उसके बाद सीरम अप्लाई कीजिए। जैसे मैं अप्लाई करती हूँ एकदम ड्राई हेयर के ऊपर ही, ऐसा नहीं है कि ड्रायर अप्लाई करने के बाद, लेकिन ड्राई हेयर के ऊपर ही अप्लाई करती हूँ, तो हेयर रहते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, सिल्की एंड शाइनी। वेट हेयर में भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अप्लाई करने से हेयर फॉल का प्रॉब्लम आ सकते है, ये मैं बोल दिया क्लियरली। हाँ, बहुत बार मैं भी वेट हेयर में अप्लाई करती हूँ और मेरे को भी हेयर फॉल प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, इसलिए मैं बोल दिया कि वेट हेयर में मत अप्लाई कीजिए। ड्राई हेयर में हाथों में फर्स्ट में ले लीजिए, हाथों में फर्स्ट में इसको मसाज कर लीजिए, उसके बाद हेयर में अप्लाई कीजिए, तो उससे हेयर बहुत अच्छे से प्रोटेक्टेड रहेगी, क्योंकि अभी हेयर को भी प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। सीरम अप्लाई करने से हेयर रहते हैं प्रोटेक्टेड। और ये है एक 40 ml का बोतल और ये 3 साल तक इसका शेल्फ लाइफ है, तो मेरे हिसाब से एकदम ठीक ठाक है 3 साल तक। ये 40 ml का बोतल 149 rupees है इसका, तो ये तो नहीं जा सकते हैं, तो मेरे हिसाब से एकदम ठीक ठाक है। 3 साल में, 3 साल से पहले ही ये ख़त्म हो जाएगी, जैसे मेरे भी ख़त्म हो गए है। अभी एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, हर दिन सीरम अप्लाई करना सही है या नहीं, ये भी बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं। हाँ, एकदम सही है। सीरम बाहर से एक कोटिंग क्रिएट करते हैं हेयर के ऊपर, उससे हेयर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आते हैं। हेयर में लेंथ में जितना मन में है सीरम अप्लाई कीजिए, रूट में अप्लाई मत कीजिए। रूट में हेयर सीरम कभी भी अप्लाई मत कीजिए, हेयर लेंथ में जितना मन में है हेयर सीरम अप्लाई कर दीजिए। तो अभी मैं इसको अप्लाई करूँगी। 4 से 5 ड्रॉप अपने हाथों पर ले लीजिए, बस थोड़ा अमाउंट में, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगते हैं। और ये फ्लिप टॉप पैक में आते हैं, तो ये ट्रैवल फ्रेंडली एक प्रोडक्ट भी है। और ऐसे हाथों में थोड़ा सा मसाज कर लीजिए, उसके बाद बस लेंथ पे अप्लाई कीजिए। ऐसा नहीं है कि रूट से अप्लाई करना चाहिए, लेंथ से मैं थोड़ा बहुत इस जगह पर भी अप्लाई कर देती हूँ। देखिए, एक शाइन तुरंत आ जाएगी। हाँ, आपके हेयर का लेंथ हिसाब से ले लीजिए, ऐसा नहीं है कि मेरे लिए 4-5 ड्रॉप इनाफ है तो आपके लिए भी इनाफ रहेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में सीरम अप्लाई करना सही है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सीरम अप्लाई करना एकदम भी सही नहीं है। तो देख लीजिए, ये रही मेरी लॉरियल पेरिस का टोटल रिपेयर 5 स्मूदनिंग एंड रिपेयरिंग सीरम का रिव्यू प्लस डेमो। अगर अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आगे जाके ऐसे वीडियो रोज रोज अपने फोन पे देखने के लिए नीचे बेल बटन को भी दबा देना। तो आज के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।